अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एमए जब इंसान कर लेता है ना तो लगता है कभी मतलब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यार एक रेडी लगा रही हूँ मैं, उसके अंदर मोमोज लोगों को सर्व करूंगी, ये छोटा काम है। और उसमें जो लद्दाख के एमपी हैं नगमयाल जी, उन्होंने क्या बोला? वो उसने मुझे बहुत अप्रिसिएशन किया हुआ सर, एंड मैं बहुत खुश हो गई वो पोस्ट देखकर। मोमोज का सपना जब आता है ना तो बड़ा ही आता है, रेस्टोरेंट का सपना आया और वो हमने मिलके पूरा कराना है। मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर करो और लोगों तक फैलाओ और सारे यहाँ पे तालाब तिल्लो में आए खाने के लिए। पहले 1-2 डेज तो बहुत शर्म आया, बट उसके बाद तो इतना मजा आने लगा। जितना लोग मेरे को बोलते हैं कि मुझे मजा आता है, क्या मैं मोटिवेट होती है, ये कैसे? मैं 20 डेज से मोमोज का दिखाना चाहती थी कि ऐसा है, जो भी आए वो जल में फंस जाता है सर, एक बार खाया तो सेकंड बार आता ही आता है। ये लड़की बहुत चला गई, ये बिजनेस माइंडेड कहती जाल में फंसाती हो। मैं वो जाल में इसलिए फंसाती हूँ क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं सर। ये तंकानी मोमोज डिशेस गेस्मो नाम जिंपो योतले छमास क्यों दादा जिंपो योतले छमास इतना माल है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छे, आ जाओ अभी और खा लो। एंड कांग्रेचुलेशंस, मतलब लड़की हो के स्टीरो वाला दिमाग नहीं रख के कि लड़की हो के क्या करेंगे ये चीज नहीं रख के, मतलब यूथ के लिए एक मोटिवेशन बन गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई विल कम टू सी यू, ऐसे लिखा हो सर। शोज से हमें ये भी सीखना है कि भले ही एमए कर ली हो आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग आपने मूवी में सुना होगा, शाहरुख खान कहते थे, लेकिन इस डायलॉग को हकीकत में जिया है छियोस डॉल ने, जो कि हैं लद्दाख की और तालाब तिल्लो में। फिलहाल एमए कर चुकी हैं लेकिन अपना बिजनेस रन कर रही है, पहले भी कई सारे बिजनेस किए लेकिन अभी मोमोज की इन्होंने एक अलग से रेडी जो है वो लगाई है और यहाँ पर मोमोज बेचती भी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर। मैम बहुत एक्साइटेड था मैं आपसे मिलने के लिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बकलूल टीवी में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। फिलहाल एमए कर रही हैं जी? अभी एमए कर रही हूँ सर, सेकंड ईयर में जी। यू आर डूइंग एमए फ्रॉम वेयर? इग्नू। इग्नू से कर रही हैं? ओपन यूनिवर्सिटी। मतलब एक एमए जब इंसान कर लेता है ना तो लगता है कभी मतलब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यार एक रेडी लगा रही हूँ मैं, उसके अंदर मोमोज लोगों को सर्व करूंगी, ये छोटा काम है? नहीं सर, मुझे स्टार्टिंग से ये पूरा माइंड में था कि मैं ये तो मैं करके रहूंगी, ये ठान लिया हुआ था, सो आई डिड इट। कैसे आया था दिमाग में? मतलब ऐसे देख के, मुझे कुकिंग में स्टार्टिंग से बहुत शौक था, सो पहले तो मैं कुछ और करने वाली थी, लाइक कपड़े का वो करने वाला, गारमेंट्स की काम करने वाली थी। गारमेंट्स का काम आपने खोला भी था? मैंने खोला भी, लेकिन उसमें इतना गंदा लॉस हो गया मेरा। देन मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है। देन आई स्टार्ट इज मोमोज वाला काम, एंड ये 20 डेज में मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। क्या बात है, देखा, इन्होंने पहले गारमेंट्स का काम खोला, वो अच्छा नहीं चला लेकिन दिल नहीं टूटा, उसके बाद इन्होंने मोमोज का काम खोला और अभी जो है 20 दिनों से फिलहाल बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। और मैडम की मैंने ना बात कर रहा, जब अंग्रेजी भी सुनी बड़ी फटाफटदार अंग्रेजी बोलती हैं? नहीं सर अब तो नहीं बोलती है, थोड़ा सा अंग्रेजी में बताइए। बस इतना ही। मतलब आपके दिमाग में जब ये आया कि आपने करना है, आपने जब शुरू किया तो उसके बाद लोगों ने आके बोला लड़की है, एक तो लड़की है ऊपर से ये सब कर रही है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो सब बोलने में, उससे मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होता है। वैसे भी नेगेटिव पीपल होना चाहिए जो हमें कुछ बोले, ये मत करो, लड़की हो के ये करना वो करना। पहले 1-2 डेज तो बहुत शर्म आया, बट उसके बाद तो इतना मजा आने लगा। जितना लोग मेरे को बोलते हैं कि मुझे मजा आता है, क्या मैं मोटिवेट होती है, ये कैसे? मतलब लोगों को मैं ऐसा मोटिवेशन लेती हूँ सर, जो भी कोई भी गलत बोले वो उसको मैं मतलब पॉजिटिवली लेती हूँ, अगर वो गलत बोलते हो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगता है। गलत बोलते मेरा काम अच्छा चलता है। इनके मोमोज भी मैं दिखा दूँ, मोमोज इनके मैंने सुना बहुत ज्यादा डिलीशियस है, वो भी खाएंगे हम। मैम ये कौन से मोमोज है? ये वेज मोमोज है, आजकल तो नवरात्रि का स्टार्ट चल रहा है तो प्योर हमने वेज रखा हुआ है, ना कि हमने इधर अनियन डाला हुआ है, ना कि वो क्या बोलते हैं गार्लिक डाला हुआ है सर। अब हम प्लेट दीजिए, मैं अपने हाथ में रखूंगा और मोमोज जो है हमें थोड़ा गर्म कर देती हूँ, पहले मैं गर्म कर देती हूँ सर। देखा ये नहीं कि वीडियो कर रहे तो ऐसे गलत बलते खिलाऊंगी, गर्म करूंगी फिर खिलाऊंगी। अच्छा आप गर्म कर लीजिए, गर्म करते करते बात करते हैं। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो घर वालों को बोला कि मैं ऐसे ऐसे मोमोज का काम खोल रही हूं? पहले तो मैंने नहीं बोला सर, आई थिंक कि मैंने विंटर में पापा मामा को सरप्राइज दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि विंटर तक मेरा काम अच्छा चल जाएगा। देन मुझे मतलब दिल में नहीं रहा, मैं बोल दिया सर, फिर वो लोग बहुत खुश है अभी। अभी पहले खुश थे?
पहले नहीं था उतना हाँ। फिर अभी थोड़ा उनको भी पता चला कि मेरा बच्चा भी कुछ कर रहा है, इसके अंदर भी कुछ है हाँ। मतलब करने की वो जज्बा है हाँ। तो दे आर वेरी हैप्पी नाउ। क्या बात है। तो मोमोज आप गर्म कर लीजिए, और साथ में ये पूछना चाहूंगा, फिलहाल तो मोमोज का काम आपका अच्छा चल रहा है, बट व्हाट इज इसके बाद कुछ सोचा है? व्हाट्स योर एम इन लाइफ, व्हाट्स फर्दर प्लान्स? इसके बाद तो बस अभी तो मैं 20 डेज सिर्फ मोमोज का दिखाना चाहती थी कि ऐसा है, जो भी आए वो जल में फंस जाता है सर, एक बार खाया तो सेकंड बार आता ही आता है। ये लड़की बहुत चला गई, ये बिजनेस माइंडेड कहती जाल में फंसाती हो। मैं वो जाल में इसलिए फंसाती हूँ क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं सर, क्वालिटी दे मेन, मैं प्रॉफिट पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं क्वालिटी पे फोकस करती हूँ। क्वालिटी पे फोकस करे तो कस्टमर्स तो ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आ जाता यार, है सर। क्या बात है यार, सल्यूट है इसको, जिस तरह की पॉजिटिविटी इनसे मतलब निखर कर वो सामने पॉजिटिव वाइब आ रही है ना सीरियसली। और जब आपने किया तो सखी सहेलियाँ आपकी, उनको आपने बताया था? जब हम फ्यूचर हमारा कुछ देखने लगेंगे तब सब कुछ भूल जाता है सर, ना फ्रेंड्स रहता है ना कुछ भी नहीं, ना खुद का ख्याल। आजकल तो मेरा 15 दिन हो गया सर बाल नहीं धो के, मतलब खुद का भी केयर नहीं रहता है, बस फोकस होता है गोल पर सर, एंड आई विल अचीव सून। और मैं आपको बता दूंगी, इनकी वीडियो एक वायरल हुई थी और उसमें जो लद्दाख के MP है नगमयाल जी, जमयंग सिंह नगमयाल, उन्होंने क्या बोला? वो उनने मुझे बहुत अप्रिसिएशन किया हुआ सर, एंड मैं बहुत खुश हो गई वो पोस्ट देखकर। आज सुबह ही उनने किया हुआ था सर। क्या लिखा था उसमें? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब लड़की हो के स्टीरो वाला दिमाग नहीं रख के कि लड़की हो के क्या करेंगे ये चीज़ नहीं रख के, मतलब यूथ के लिए एक मोटिवेशन बन गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई विल कम टू सी यू, ऐसे लिखा हुआ सर। आई एम वेरी हैप्पी, ही विल कम टू सी यू। यस यस सर। सो आर यू एक्साइटेड? वेरी मच जी, वेरी मच। मोमोज खिलाओगी? यस, गरम करके। Yes, yes. हम जो है चियोस के मोमोज जो है वो टेस्ट करते हैं कि इतनी ज्यादा वायरल ये लड़की हुई है लेकिन मोमोज टेस्ट नहीं किए तो फिर फायदा क्या है? और मोमोज आप खुद बनाती हैं चियोस? जी सर, मैं खुद ही बनाती हूँ क्योंकि वो सप्लाई वाला कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि हम अपने नेकेड आई से नहीं देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाँ। जैसे हम खुद बनाते हैं वो बिल्कुल क्वालिटी, फ्रेश वेजिटेबल, सब कुछ हेल्दी ऐसे देने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चियोस की चटनी मैंने जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई, मैं चटनी दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या बात है, ये मोमोज की चटनी ना बहुत लोगों की फेवरेट होती है, ये मैं पूरा गाढ़ा और बहुत टेस्टी वाला रखती हूँ। क्या बात है। और मिर्ची कितनी है इसमें? मिर्ची थोड़ा ही डालती हूँ, ज्यादातर तेज नहीं डालती हूँ क्योंकि कोई किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता है सर। क्या बात है। और अभी यहाँ पे अब तो थोड़ी सी वायरल हो गई है तो लोग आके आपके पास फोटो वोटो देंगे जा रहे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा फील आ रहा है वैसा वाला, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा सब, इतना मुझे विशेस, गुड विशेस करेंगे, मतलब अभी तो इतना मोटिवेशन आया हुआ है, पहले उतना थोड़ा तो था, अभी लोगों की वजह से और भी आया हुआ है। अब तो पहले 6 बजे उठती थी, अभी 5 बजे उठने लगी हूँ। अब तो नींद मतलब खुशी में घुल रही है मेरी जी। अब मतलब और भी एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट मतलब रेस्टोरेंट तक सोच रही हूँ सर, अब इधर से मैं रेस्टोरेंट तक खोल दूंगी। मैं इतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ इस लड़की से बात करने के लिए क्योंकि छोटा सा काम खोला, मोमोज का सपना जब आता है ना तो बड़ा ही आता है, रेस्टोरेंट का सपना आया और वो हमने मिलकर पूरा कराना है। मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर करो और लोगों तक फैलाओ और सारे यहाँ पे तालाब तिल्लों में आए खाने के लिए, एड्रेस भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन चियोस, कुकिंग का तो शौक आपको है, कुकिंग का शौक, इसके अलावा गाना गाती है आप? गाना गाना भी थोड़ा थोड़ा गा लेती हूं। लद्दाखी गाना सुनेंगे हम, ऐसे जाने नहीं देंगे। नहीं आता है सर। तो फिर हिंदी आता है? नहीं आता। लद्दाखी अभी नहीं सुना सकते क्योंकि मैं इधर ही फोकस हुआ। अच्छा, लद्दाखी में अगर आपको बोलना हो कि मेरे मोमोज जम्मू के बेस्ट मोमोज हैं तो लद्दाखी में कैसे बोलोगे? तो ये तंकानी मोमोज डिक्शेस गेस्मो नंग जिम्पो योतले छमास क्यों दाजात जिंगपो योतले छमास एतलमाले। इसका मतलब है कि बहुत अच्छे, आ जाओ अभी और खा लो। एवरीवन कम। क्या बात है। तो मोमोज टेस्ट करेंगे हम और साथ ही साथ मैंने सुना मोजिटोस भी बनाती हैं। जी मोजिटोस भी बनाती हूँ सर, वो भी देखते हैं। तो ये चियोस के मोजिटो का सामान, चियोस मोजिटो भी बना लेती हैं आप? जी मोजिटो भी बनाती हूँ सर, ये तो मुझे आता ही नहीं था पहले, मैं यूट्यूब से देख देख कर सीख गई और ये टेस्टी भी बनने लगा। क्या बात है यार, मतलब यूट्यूब से देख के लड़की ने मोजिटो बनाना सीख लिया। हमने यार यूट्यूब का ऐसा सदुपयोग कभी नहीं किया, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू सर। पहले वैसे मैंने इसका प्राइस देखा कि बाहर तो 100 से ऊपर ही होता है, मैं सोचा यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है तो डिस्काउंट कर देती हूँ, तो ओनली 40 रुपीज का मोजिटो मिल जाएगा। क्या बात है, एक तो 40 रुपीज का मोजिटो, ऊपर से चियोस इतने प्यार से सर्व करती, इतने प्यार से बोलती है, मजा ही आ जाएगा, एक मोजिटो भी पिएंगे हम आपका। जी सर पक्का। तो इस वक्त चियोस जो है हमारे मोमोज भी रेडी करी, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर भीड़ देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा लग चुकी है क्योंकि चियोस के मोमोज जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। इस साइड गाड़ियाँ भी लगी, गाड़ियों में भी जो है लोग वेट कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी आओगे और चियोस के मोमोज जो हैं
ट्राई करोगे, फिलहाल हम ट्राई कर लेते हैं। हाफ लेट जब रेडी हो चुकी है, बहुत इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि भीड़ जब बहुत ज़्यादा थी और मैं चोस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अभी थोड़ा अपनी स्कूटी पे बैठ के ट्राई करते हैं। अब हम करेंगे चोस के मोमोज ट्राई। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सीरियसली। लड़की अगर वायरल हुई है ना, शी डिजर्व्ड इट सीरियसली। मोमोज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, तो मोमोज भी ट्राई कर लिए, चोस बहुत ज़्यादा टेस्टी थे यार। लास्ट में जाते जाते क्या कहना चाहोगे? जनता से वही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। So, मतलब ज़्यादातर मैंने स्टार्टिंग पे बहुत मेहनत किया। शायद यही लगता था जब भी मैं फॉल डाउन हो जाती थी, गिरती थी, इतनी प्रॉब्लम्स आती थी। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए, जितना भी आप लोगों को लगे कि लाइफ प्रेशर कर सब खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं होता, खत्म होता होगा, मतलब ऐसे फील होते टाइम ही सोचो कि उस टाइम तक हिम्मत रखो कि आप तो कुछ अच्छा होने वाला है। तभी तो इतनी दिक्कतें और प्रेशराइज कर रहा है लाइफ। बात है, और चोस के चेहरे पे जो ये स्माइल है, ये पॉजिटिविटी है ना, ये देखकर मैं इतना दिल से खुश हूँ, मैं कसम से अपनी फीलिंग्स ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वेल डन, थैंक यू जुले। और सीरियसली मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि चोस ने जैसा कहा कि रिस्पांस 20 दिन में इतना ज़्यादा अच्छा मिल चुका है, लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, चोस के पास टाइम नहीं मिल रहा बात तक करने का। और अब चोस ने ना एक सपना भी देख लिया, वो बड़ा वाला, कि रेस्टोरेंट में खोलूँगी एक बड़ा सा और वहाँ पर सब कुछ सिस्टम चलाऊँगी अपना। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो एक सपना अगर देख लिया है ना, तो वो भी जल्दी से साकार हो जाए। फिलहाल तो लद्दाख के एमपी जो हैं नगमियाल जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। लेकिन फिलहाल जितने हमारे जम्मू वाले, मैं चाहूँगा वो यहाँ पर आएँ और चोस को सपोर्ट करें। और कहाँ पे, मैं आपको एड्रेस बता दूं, ये खंजूर लद्दाख रेस्टोरेंट, आपने यहाँ पर आना है। और ये तालाब तिल्लो रोड पर बिल्कुल वी मार्ट के साथ में है। वी मार्ट खत्म होते ही आपको खंजूर लद्दाख रेस्टोरेंट जो है वो मिल जाएगा। आपने यहाँ पर आने हैं, मोमोज टेस्ट करनी है, मोजीटो भी पी सकते हो और चोस को सपोर्ट करना है। और चोस से हमें ये भी सीखना है कि भले ही एमए कर ली हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। Signing off for now, keep watching the Baglol TV.